लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के जूरी, जिसके लिए हमने आलू ले रखे हैं आधा किलो, और मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आलू को काट रखी हूँ इस साइज का। इसको काटने के बाद मैं करीब 2 घंटे हल्के धूप में इसको सुखा ली हूँ, जिससे कि आलू ड्राई हो चुका है। अब इसके लिए हमने ले रखे हैं मैदा, जो कि हम आलू की झूरी में डालने वाले हैं। छोटी कटोरी से 1 कटोरी मैदा है। बेसन जो कि हम झूरी में मिलाएंगे, बेसन है हमारा 1 पाव से थोड़ा कम। ये हरी मिर्च, 5 अजवाइन और मंगरैल, जिसको डालने से हमने पंखे के नीचे धूप में सुखा रखा है। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। हमें इस साइज के आलू लेने हैं, इतना छोटा साइज के आलू। इसका झूरी बहुत ही अच्छा बनता है। यदि ना हो तो फिर बड़े साइज का ही आप इस टुकड़े में काट लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। अजवाइन मंगरैल, बेसन, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इन सारे मिश्रण में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे। बिल्कुल सूखा बनाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। जितना सूखा रहेगा झूरी उतना ही बढ़िया बनेगा। अब हम सारे मिश्रण को अच्छी प्रकार से मिला लेते हैं। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। पानी थोड़ा ही डालना है, यदि बाद में कम पड़े तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। उसके बाद इस मिश्रण को मिलाते हुए अच्छी प्रकार से हम मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो सारे मिश्रण को हमने अच्छी प्रकार से मिक्स कर दिया है आलू में। देखने में भले ही लग रहा है कि इसमें मिश्रण चिपका हुआ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जब तलेगा तो ये सब सही हो जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, जब तलेगा तो कलर इसका बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो चलते हैं, हम इसे तल लेंगे। हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें अपने झूरी को तल लेंगे। आज को हल्का रखेंगे। If you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions. एकदम क्रिस्पी बनाना है इसे। इसे चम्मच की सहायता से हमें चलाते रहना है। इस तरह की झूरी आप भी अपने घर पे बना के एक बार ट्राई अवश्य कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी लगता है। जब भी कुछ नाश्ता बनाना हो झटपट बना सकते हैं इसे आप। अगर धूप में ना सुखाना चाहें तो ऐसे भी ना धूप सुखाए भी बना सकते हैं। हल्की आंचों पे ही पकाएंगे, ताकि आलू हमारा कच्चा ना रहने पाए। तो आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी किसी दूसरे बर्तन में। इस तरह से सारे पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के पकौड़ों को भी हम तल लेंगे। आप देख सकते हो हम सारे पकौड़े को तल लिए हैं। हमारे यहाँ तो इसे आलू की झूरी बोलते हैं, शायद आप लोग क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं।
तो इस तरह से तल लेने हैं। देखिए शुरुआत में कैसे दिख रहा था, देखने में कोई अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन तलने के बाद इसका कलर देखिए कितना गोल्डन ब्राउन और इतना परफेक्ट आया है और काफ़ी क्रिस्पी भी बना है, देख सकते हो आप ऐसे एकदम क्रिस्पी, खाने में तो और ही टेस्टी बना है लग रहा है। तो इस तरह आप भी एक बार अपने घर में ट्राई करके देखिए, और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।